सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनेक सूक्तों के मुख्य मुख्य मंत्रों को हमने पढ़ा है और पुनः उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 62वें सूक्त के 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। हम उस परमात्मा के द्वारा यह जो व्यवस्था है, जो संपूर्ण प्राणी हैं, जीव इस संसार में हैं, किसी न किसी रूप में हमारे लिए या इस समष्टि के लिए, इस संसार के लिए कल्याणकारी हैं। कोई भी जीव परमात्मा ने निरर्थक नहीं बनाए हैं, चाहे वह हिंसक हो या अहिंसक हो, वह अमृत देने वाला हो या विष देने वाला हो, कोई भी वनस्पति निरर्थक नहीं बनाई है, परंतु हम उसका सदुपयोग करें। जो हम गोदुग्ध का सेवन करते हैं तो गाय भी विशेष परोपकारी प्राणी हमारे लिए बना करके भेजा है, उसके सेवन से हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सामर्थ्यवान बनाएं। तो वेद मंत्र मैं पहले लिखता हूं, फिर इस पर आगे चर्चा करूंगा। सनेमि सख्यम सनेम सख्यम स्वपस्यमानः सुनुर दाधार। सुनुर सुनुर दाधार सोनुर दाधार शवसा शवसा सुंदसाह आमासु चिद्ध दिशे आ
कामासु चिद्ध धिशे। आमासु चिद्ध दिशे पक्वमन्तः पक्वमन्तः पयः कृष्णासु रुषद्रोहिणीषु उच्चारण करेंगे। ओम सनेमि सख्यम स्वापस्यमानः सुनुर्दाधार शवसा सुदंसाः आमासु चिद्धधिशे पक्वमन्तः पयः कृष्णासु रुषद्रोहिणीषु। ओम सनेमि सख्यम स्वपस्त्यमानः सुनुर्दाधार सवशा सुदंसाः। आमासु चिद्ध दिशे पक्वमन्तः पयः कृष्णासु रुषद्रोहिणीषु। बहुत ही प्रेरणादायक यह मंत्र है। सनेमि सख्यम स्वपस्यमानः सुनुर्दाधार शवसा सुदंसाः आमासु चिद्धदिशे पक्वमन्तः पयः कृष्णासु वृषद्रोहिणीषु। स्वपस्यमानः सदा सुअपस, जो उत्तम अद्भुत कर्मों को करता हुआ, सुनुहु सदा उत्तम प्रेरणा जो देता है, सदा उत्तमता से जो युक्त करता है, शवसा बल के कारण सुदंसाह सदा उत्तम कर्मों वाला प्रभु जीव सनेमी ही पुराण जो सनातन है सख्यम मैत्री को दाधार धारण करता है और प्रभु जीव के सनातन मित्र हैं सनो बंधुर जनिता, वो हमारा बंधु है। त्वमेव माता चा पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्चा सखा त्वमेव, तो वह बंधु है वह सखा है, ऐसा वह उत्तम प्रेरणा हमको देता है, उसे उत्तम प्रेरणा व्रत प्राप्त कराते हैं। प्रभु के कर्म शक्तिशाली हैं, ये प्रभु आमासुचित अपरिपक्व आयुष्य वाली जो गौओं के अंतः अंदर भी पक्वम पयः पूर्ण परिपक्व दूध जो दुग्ध होता है उसको भी दधिशे धारण करते हैं। गौ का जो ताजा दूध होता है धारोष्ण बोलते हैं उसको, जो धारोष्ण दूध है जो खूब जब उसको दुहते हैं गाय को तो गर्म गर्म उससे दुग्ध निकलता है,
तो उसको धारोष्ण कहते हैं, और धारोष्ण दूध औषधि गुणों से परिपूर्ण होता है। यह दूध अमृत के समान होता है। किसी ने कहा कि सबसे अच्छा दूध किसका होता है, किसी ने कहा बकरी का दूध होता है, किसी ने कहा भैंस का होता है, किसी ने गाय का कहा। परंतु गाय के दूध को लोगों ने अमृत के नाम से जाना है। दूध की श्रेणी में तो दूध तो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ऊटनी का दूध हो सकता है, भेड़ का हो सकता है, बकरी का हो सकता है, हर प्रकार के जो हर प्राणियों के जो दुग्ध देने वाले हैं उन सब में सबसे ज्यादा जो गुणकारी दूध है वो किसका है, गाय का है। गोघृत से व्यक्ति की आयु बढ़ती है, इसलिए कहा आयुर्वेद घृतम, दूध मक्खन दही छाछ जो कुछ भी गाय के दूध से हम बनाते हैं उसके विकार के रूप में, मावा बना लिया, घी बना लिया, कुछ भी मक्खन बना लिया, वो अन्य चाहे भैंस हो या अन्य जो जिन पालतू जो पशु हैं, दुधारू जो पशु हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ दूध किसका है, गाय का होता है। उसको अमृत के तुल्य माना जाता है, और विशेषकर औषधि गुणों से युक्त जो दूध धारोष्ण, जिसको हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ताजा दुग्ध जो दुहा गया है अभी और उसको छान करके पिलाएं, तो ये भी एक बड़ी बात है, उसको लोग पचा नहीं पाते, सब लोग उसको पचा भी नहीं पाते हैं। कुछ लोग इतना मिलावटी दूध पीते हैं आजकल कि वो असली दूध जो है ना वो हजम नहीं होता है। परंतु जिसका पाचन तंत्र अच्छा है उसके लिए तो अमृत के समान है। अनेक प्रकार के लोगों में अनेक प्रकार की चर्चाएं दुग्ध को लेकर होती हैं। कुछ लोग इसको निरर्थक मानते हैं कि नहीं नहीं इसका तो कोई मतलब नहीं है, ये तो हिंसा हम करते हैं। कोई गाय 4 लीटर दूध देती है, कोई 2 लीटर देती है, कई कई तो 10-15 लीटर भी दूध देते हैं, और इससे भी अधिक हो सकता है। मेरी जानकारी में तो 15 लीटर तक है, आप लोगों की जानकारी में है कुछ? हाँ हाँ कुछ ऐसे भी है। दोनों टाइम को मिला करके ना, एक दिन में दोनों टाइम मिलाएंगे तो 30 लीटर भी हो सकता है, 15 लीटर एक टाइम, 15 लीटर एक टाइम, 10 लीटर। हमने 12 लीटर तो तक तो हमने खुद दुहा है। तो जो दुग्ध है, जो धारोष्ण दुग्ध है, वह जो गिर गाय, गिर नस्ल की जो गाय, हाँ, तो उनमें दूध ज़्यादा होता है। और भी गाय, भारतवर्ष तो अनेक जो है गायों को जन्म देता है, अनेक प्रकार की देशी गाय। तो इस प्रकार से यह जो दुग्ध की बात है, इसका सेवन करना अमृत के समान सेवन करना होता है। और ये भी बात कही है उसमें, ये तो मैं वेद मंत्र का भी स्वाध्याय कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसके पहले गुरुजी बताते थे कि सबसे अच्छा जो दूध है गाय का है, और गायों में भी जो काली गाय होती है, कपिला गाय, काली गाय या कृष्णा गाय, उस गाय का दूध और विशेष होता है। तो काले वर्ण वाली गौओं में भी, तथा रोहिणीषु जो लाल रंग की गौएं होती हैं, उनमें भी रुषत पयः चमकते हुए सफेद, जो श्वेत वर्ण का सफेद जो होता है, वह दूध को आप धारण कराते हैं। कौन यह व्यवस्था करता है? वह परमात्मा। जैसे गाय तो चारा खाती है, भूसा खाती है, और दुग्ध जैसा पदार्थ कौन उसके अंदर धारण करा रहा है, कौन उसके अंदर उस को दूध के रूप में परिवर्तित कर देता है। सुबह शाम हम कितना दूध उससे निकालते हैं, विचित्र बात है।
ये व्यवस्था कौन कर रहा है? तो उस परमात्मा की व्यवस्था से ही गाय माता दूध का धारण करती है, वो धारण कराता है। और भी जो भी हमारे दुधारू पशु हैं उन सब में जो विशेष अमृत के समान दुग्ध धारण कराने का कार्य उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा का ही विशेष कार्य है। यह दूध स्वयं में प्रभु की विभूति है और जीव की सात्विकता के लिए यह दूध अनन्य साधन है। उसको पूर्ण रूप से संपूर्ण भोजन कहते हैं, संपूर्ण पौष्टिकता को देने वाला है वह। संपूर्णतया से वह दूध यदि हम संतुलित रूप में ग्रहण करते हैं तो संपूर्ण आहार के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। इसलिए अब जो वर्तमान काल की स्थिति है इसमें परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इतना महिमा मंडन किया है, लोग गोकथा भी करते हैं, तो गायों का पालन भी बढ़ा है। गायों का जब संरक्षण होता है तो निश्चित रूप से दूध की बहार आती है। हम दूध तो सेवन करते हैं, जैसे कोई अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दूध की महिमा है, कहीं ज़्यादा भैंसों का पालन होता है तो भैंसे दूध जो देती है उससे लोग भैंस का दूध ज़्यादा मानते हैं। परंतु जो अन्य प्रांत हैं वहाँ गौओं का पालन ज़्यादा होता है। इस दृष्टि से दोनों ही परिस्थितियों में वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी बहुत ही हल्का दूध होता है, सुपाच्य होता है, गुणकारी होता है, गोदुग्ध अमृत के समान होता है। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि बिना गो रसम को रसम भोजना नाम, बिना गो रसम को रसो भोजना नाम, बिना गो रसम को रसो पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसो भूपति नाम, बिना गो रसम को रस। ये जो रसना है इस रसना के लिए, इसकी संतुष्टि के लिए, या जो हम रसना रस ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं, यदि आहार में गोरस नहीं है, गोरस से अलग अलग तात्पर्य ले सकते हैं, या तक्र या जो है दही, मक्खन, घृत, अलग अलग जो है गोदुग्ध से निर्मित चीज़ें नहीं हैं तो भोजन में वह आनंद नहीं आता, टेस्ट नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको पसंद नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी इस संसार में हैं कि वो दूध पीना ही नहीं पसंद करते, घी खाना नहीं पसंद करते, उनको बिल्कुल उलझन होने लगती है, ऐसे भी हैं। परंतु निश्चित रूप से गोदुग्ध बहुत ही गुणकारी है, गोघृत भी बहुत ही गुणकारी है। यदि हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे जीवन में आरोग्यता आती है, स्फूर्ति आती है, हमारा दीर्घकाल का जो जीवन है वो पूर्ण रूप से आरोग्यता को प्राप्त होता है। ऐसे ही हम उस परमात्मा को जो हमारा सबसे पुराना सखा है, यहाँ संसार में आते हैं नए नए सखा बन जाते हैं, नए नए मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो सबसे पुराना मित्र कौन है? परमपिता परमेश्वर है। प्रभु जीव के पुराण मित्र है, अर्थात सबसे पुराने प्राचीन हैं। उससे जो है उसके हित के लिए गौओं के अमृत दुग्ध को प्राप्त कराते हैं। प्रभु की ही विशेष कृपा से हम अलग अलग कर्मों को करने में सामर्थ्यशील हो जाते हैं। अपने सामर्थ्य को सदा बढ़ाने का, अपने तन मन की आरोग्यता को बढ़ाने का सबसे बड़ा उपाय है कि हम ऐसे प्राकृतिक जो पान हैं या खान पान दोनों चीज़ें हैं उनको ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में
गति होगी, प्रगति होगी और इससे हम कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे। इस प्रकार से हमको सदा समझना चाहिए और प्रभु का गुणगान सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। कहते हैं कि राम राज में सकल पदार्थ, कृष्ण राज में दूध और घी। राम राज में सकल पदार्थ, कृष्ण राज में दूध और घी, वर्तमान में गर्म पानी फूंक मार के पी। लोग कहावत बना देते हैं, दूध भी नहीं है, दूध ही है नहीं है, सब जगह मिलावटी कार्य हो रहा है। तो जमाना मिलावट का है। मिलावट में लोग बोलते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। अब ये क्या तरीका है? लोगों को आँखों में देखने का पदार्थ अच्छा होना चाहिए, बाद में क्या होता है कोई देखता नहीं है। हमारी जो प्राचीन परंपरा थी वो शुद्ध खाइए, शुद्ध पीजिए, पौष्टिकता से युक्त हो, प्राकृतिक हो, किसी की हिंसा ना होती हो, ऐसा यदि हम करते हैं तो व्यष्टि और समष्टि दोनों को लाभ मिलता है। कई लोग ऐसा तर्क देते हैं कि मनुष्य हिंसा करता है, दुग्ध देने वाले पशुओं का दूध निकाल करके स्वयं पी जाते हैं और उनके बच्चों को नहीं पीने देते हैं। यह तर्क उनका बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? एक गाय या भैंस यदि 10 लीटर से 15 लीटर 20 लीटर दूध देती है एक टाइम में, उसका बछड़ा या उसका पड़ा कितना दूध पिएगा? 2 लीटर, 5 लीटर। इसके अगर मान भी लिया जाए 5 लीटर दूध पड़ा या वो पीता है या बछड़ा पीता है, तो 10-15 लीटर तो दूध थन में ही सड़ जाएगा या जम जाएगा, तो विकृति हो जाएगी। और अलग अलग दृष्टियों में हम देखें, जो दूध है वो निश्चित रूप से वेदों में बड़ा ही वर्णन है इसका, आयुर्वेद शास्त्रों में बहुत वर्णन है इसका। जो लोग अनावश्यक तर्क देते हैं और दूसरों के मनोमस्तिष्क में ये भ्रांति डाल देते हैं, एक बहुत बड़ा ऐसा समुदाय भी है जो इसको बहुत बड़ी हिंसा मानता है। चाहे बकरी हो या भैंस हो, गाय हो, बोले नहीं, दूध जो पीते हैं वो बहुत बड़ी हिंसा करते हैं। तो ये बात बिल्कुल मिथ्या है, इस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। गाय, यदि हम गाय का दूध नहीं निकालेंगे तो हिंसा हो जाएगी, वह बीमार हो जाएगी गाय और फिर अनेक प्रकार के रोग उसको आ जाएंगे। इसलिए हमको उस विधाता का जो नियम है, उसका जो आदेश उपदेश निर्देश हमारे लिए है, उसको सदा सर्वदा पालन करना चाहिए। इस दृष्टि से जो सात्विक आहार है उनका सेवन सदा हम करते रहें। आहार यदि हमारा ठीक है तो विचार भी ठीक होंगे, और आहार यदि ठीक नहीं है तो विचार भी ठीक नहीं होंगे। विचार ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं होंगे, व्यवहार हमारा ठीक नहीं होगा। और धीरे 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 हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है, जो मूल प्रकृति होती है उसमें हम विकृति को प्राप्त हो जाते हैं, उसमें हमारा जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और अपने जीवन को यदि हम नहीं संवार सकते हैं तो संसार को भी हम कभी भी संवार नहीं सकते हैं। इसलिए हम प्रभु का चिंतन करते चले जाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाते चले जाएं। एक भी यदि जीवन में हम अच्छा कर्म करते हैं और उसको यदि दूसरे उसका अनुकरण करते हैं, उनके जीवन में भी प्रभाव पड़ता है, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए प्रभु का चिंतन करते जाएं। और बहुत सुंदर किसी कवि ने लिखा है, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा,
गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। चाहे यहाँ साए तुझे चाहे यह रुलाए, अपना फर्ज निभाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो हम उसकी भक्ति में अपने जीवन को लगाएं। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।